तो आ गया रिकॉर्ड नई वीडियो के साथ हुआ पीस। तो गाइज, अगर आप अपने न्यू यूट्यूब चैनल को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों को मोस्ट डिमांडेड वीडियो पे वीडियोस बनानी पड़ती है। और ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो जो है हर कैटेगरी में होती है। अगर आपका कुकिंग चैनल है, गेमिंग चैनल है, या किसी भी कैटेगरी का चैनल है, तो उस चैनल में कोई ना कोई एक ऐसी वीडियो होती है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपको हर एक कैटेगरी के लिए वो मोस्ट डिमांडेड वीडियो का टॉपिक बताऊंगा, जिस पे अगर आप वीडियो बनाते हो तो उससे आपको लाइफ टाइम बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही मैं आप लोगों को क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर से देखते रहना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़ोर से प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल क्यों ना हो, अगर आपका कुकिंग का चैनल है, या यूट्यूब टिप्स का चैनल है, गेमिंग का चैनल है, किसी भी कैटेगरी का जो चैनल है, आपको उन चैनल के जो सबसे बड़े क्रिएटर हैं उनके चैनल को ओपन कर लेना है। अब जैसे YouTube टिप्स में सबसे बड़े क्रिएटर फिलहाल के टाइम टेक्निकल योगी सर और मनोज दे हैं, तो मैंने इनके चैनल को ओपन कर लिया। चैनल ओपन करने के बाद आपको आ जाना है वीडियोज़ वाले सेक्शन में, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सॉर्ट बाय का। तो सॉर्ट बाय में आकर आपको मोस्ट पॉपुलर कर देना है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो टेक्निकल योगी सर के मोस्ट पॉपुलर वीडियो में एक वीडियो है जिसका टॉपिक है टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स कैसे लिखे यूट्यूब के लिए। अगर आप इस पर व्यूज़ देखोगे तो 1.3 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। अब इससे आप लोगों का चैनल ग्रो कैसा होगा, तो यहाँ पर देखो, जब भी कोई यूट्यूब पर नया आता है तो उसको टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि टाइटल कैसे लिखते, डिस्क्रिप्शन में कितने कीवर्ड ऐड कर सकते, या डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका कैसे होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मोस्ट डिमांडेड वीडियो मिल गई। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ये वीडियो की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इस पर व्यूज़ देखोगे तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और आपकी कैटेगरी जो बड़े चैनल है उन्होंने इसी वीडियो से अपने चैनल को ग्रो किया है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग व्यूज़ देख सकते हो, 1.3 मिलियन इस पर व्यूज़ आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमें मोस्ट डिमांडेड वीडियो के बारे में तो पता चल गया कि इस वीडियो की ज़्यादा डिमांड है यूट्यूब टिप्स कैटेगरी में। सेम आप लोग कुकिंग के लिए कर सकते हो, कुकिंग के चैनल में भी जिस भी वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे और जो भी कैटेगरी का सबसे बड़ा चैनल है, तो आपको उस टॉपिक पे एटलीस्ट एक वीडियो तो ज़रूर बनाना चाहिए। जैसे अभी मेरे कैटेगरी का मोस्ट डिमांडेड वीडियो है हाउ टू राइट टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स। अगर 2021 या 2022 में कोई न्यू यूट्यूबर आता है तो उसको ये आइडिया नहीं होता कि टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स कैसे लिखना है, तो वो क्या करेगा, यूट्यूब पर जाके सर्च करेगा हाउ टू राइट टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स फॉर यूट्यूब वीडियो। तो उस यूज़र को, यानी कि उस न्यू यूट्यूबर को मेरी भी वीडियो दिखाई जा सकती है, क्योंकि मैंने उसी टॉपिक पर वीडियो बनाया है। पर सिर्फ मोस्ट डिमांडेड टॉपिक पर वीडियो बना लेने से हमारे वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे और ना ही हमारा चैनल ग्रो होगा। उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी एक यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे तो ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो तो है, पर ये वीडियो 3 साल पुराना है। अब अगर कोई न्यू यूट्यूबर सर्च करता है तो वो 3 साल पुरानी वीडियो को नहीं देखेगा, क्योंकि 3 साल पहले का रूल कुछ और था और 2021 में यूट्यूब के रूल कुछ और है। तो यहाँ पर आप लोगों को मोस्ट डिमांडेड टॉपिक वीडियोज़ के साथ साथ आप लोगों को अपने टाइटल को भी लिखना आना चाहिए। अब जैसे ये वीडियो का टाइटल है हाउ टू राइट बेस्ट टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब वीडियो, तो अगर यही सेम टाइटल मैं अपने वीडियो में यूज़ कर लूँ तो उससे तो मुझे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आने वाले। तो यहाँ पर मुझे करना क्या होगा, तो मुझे अपने टाइटल में जो प्रेजेंट ईयर चालू है, अब जैसे 2021 चालू है, तो मुझे अपने टाइटल में 2021 भी ऐड करना होगा, ताकि जो यूज़र मेरी वीडियो को देखना है उसको पता चले कि ये वीडियो जो है लेटेस्ट वीडियो है। और अब अगर मैं अपने कैटेगरी के दूसरे सबसे बड़े चैनल के पास जाऊं, तो जो कि ये मनोज देखा, अगर मैं इसके मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जाऊं, तो मुझे यहाँ पर वापस एक मोस्ट डिमांडेड वीडियो का टॉपिक मिल रहा है, जो कि है यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। अब देखो, जब भी कोई यूट्यूब पर नया आता है, वो नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोचता है, तो उसको यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, यूट्यूब ऐप से वीडियो अपलोड करना चाहिए या गूगल क्रोम से अपलोड करना चाहिए, उसके बारे में इसे कुछ भी आइडिया नहीं होता। तो अगर मैं नए चैनल पर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, और जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया है कि आपको अपने YouTube वीडियो के टाइटल में करंट ईयर को भी ऐड करना है, ताकि अगर कोई यूज़र के सामने आपकी वीडियो जाए तो उसको पता चले कि ये वीडियो लेटेस्ट वीडियो है। अब जैसे मनोज ने ये वीडियो बनाया था, तो इस पर जो टाइटल है वो है YouTube वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, तो मैं इसके आगे 2021 ऐड कर सकता था, या इस टाइटल के पीछे जैसे कि YouTube वीडियो अपलोड करने का सही तरीका 2021, इस तरह से मैं अपना टाइटल लिख सकता हूँ, तो मेरी वीडियो रैंक भी कर जाएगी। और जब किसी न्यू यूज़र के सामने मेरी वीडियो जाएगी तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि मैंने जो है ये वीडियो 2021 में बनाया है, और वो मेरी वीडियो को वॉच करने ज़रूर से आएगा। और जब मेरी वीडियो वॉच करेगा, अगर मैंने अपनी वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन दिए, अच्छे तरीके से एडिटिंग की है, तो वो मेरी वीडियो को देखेगा भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो इससे आप लोगों को ऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप मोस्ट डिमांडेड टॉपिक पर
वीडियो बनाते हो अपने न्यू चैनल पर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।